नमस्कार, आप देख रहे हैं NBC 24 और मैं रत्नेश पांडे। आज स्वतंत्रता संग्राम बाबू वीर कुंवर सिंह की जयंती जो है जगदीशपुर में, आरा के जगदीशपुर में मनाई जा रही है। काफ़ी भारी संख्या में लोग वहां पे पहुंचे हुए हैं, तिरंगा झंडा फहराया गया, अमित शाह पहुंचे हुए थे और तमाम बीजेपी के बड़े नेता पहुंचे हुए थे। और जिस प्रकार से बाबू वीर कुंवर सिंह की जयंती और बाबू वीर कुंवर सिंह के जो जीवन यात्रा रही उसका व्याख्यान करते हुए अमित शाह दिख रहे थे, वहीं दूसरी तरफ बाबू वीर कुंवर सिंह की जो पुत्र वधु हैं उनको उन्होंने एक बड़ा आरोप लगाया है। अमित शाह और की रैली के ठीक पहले में बाबू वीर कुंवर सिंह की जो बहुपुत्री हैं उन्होंने जिस प्रकार से आरोप लगाया है कि उन्हें नज़रबंद कर दिया गया है। एक वीडियो उन्होंने जारी करके ये दिखाया है कि उनको जो है घर के अंदर में बंद कर दिया गया है। साथ ही जो बाबू वीर कुंवर सिंह की जो प्रतिमा है उसके ऊपर में माल्यार्पण भी नहीं करने दिया गया है, साथ ही उनको माल्यार्पण करने से भी रोका गया। और तस्वीरें देखिए किस प्रकार से वो वीडियो में बोलती हुई नज़र आ रही हैं और साथ ही उस दरवाजे पे खड़ी हुई हैं जहाँ पे जो है पंडाल से बैरिकेटिंग कर दिया गया है। उनका मुख्य दरवाज़ा है और उस दरवाजे पर जो है उसके बाहर वो नहीं जा सकती हैं, उसे पूर्ण रूप से जो है वो बंद कर दिया गया है। तो बड़ा आरोप बाबू वीर कुंवर सिंह की जयंती पर उनकी जो पुत्र वधु हैं उन्होंने आरोप लगाया है। तो ये एक बड़ा राजनीतिक मुद्दा हो सकता है कि जिस प्रकार से बाबू वीर कुंवर सिंह के जयंती समारोह में उनके ही खानदान उनके ही परिवार वाले लोगों को नज़रबंद कर दिया गया है, तो बिहार की राजनीति में कहीं ना कहीं ये चीज़ें जो है वो वायरल हो सकती हैं। पहले सुनाते हैं आपको क्या कुछ कहते हुए वो नज़र आ रही हैं। समारोह बड़ी धूमधाम से मनाया जा रहा है यहाँ, क्योंकि आज अमित शाह जी आने वाले हैं, लेकिन मैं वीर कुंवर सिंह की पुत्र वधु हूँ और आज हमारा किला जो है मुख्य दरवाज़ा का गेट जो है सील कर दिया गया है। मुझे माल्यार्पण के लिए भी रोका जा रहा है, सारे नेता आकर मेरे पैर चूमे, SP तक मेरे पैर चूमे कि माता जी शांत रहिए, मैं आपको न्याय दिलाऊँगा। लेकिन मैं सरकार से और पूरे देशवासियों से ये पूछना चाहती हूँ, आह्वान करना चाहती हूँ कि जिस प्रकार जिस परिवार की पौत्र वधु पुष्पा सिंह का बेटा की हत्या जो है वीर कुंवर सिंह के पोते की हत्या कर दी गई प्रशासन के द्वारा, क्या उसको लेपा पोती करने के लिए नेतागण और प्रशासनिक पदाधिकारी हमारे गेट को बंद कर दिए हैं ताकि मैं माल्यार्पण करने से वंचित रहूँ, ताकि प्रशासन का भेद अमित शाह जी के सामने नहीं खुल जाए, ये उनकी मंशा साफ नहीं है। इसलिए मैं पूरे भारतवासियों से ये अनुरोध करती हूँ कि वीर कुंवर सिंह किसी जाति विशेष के नहीं थे, पूरे देश के लिए लड़े थे। आज उन्हीं की पौत्र वधु को एक माल्यार्पण करने से उनके गेट को सील कर दिया गया है ताकि वो जाकर माल्यार्पण नहीं करे, ये तो बहाना है। मैं हर साल माल्यार्पण करती हूँ वहाँ जा करके, मेरे पुत्र की हत्या भी प्रशासन के द्वारा कर दी गई है, तभी भी मेरे अंदर ये शक्ति है कि मैं अपने दादाजी को माल्यार्पण करूं, लेकिन माल्यार्पण करने से मुझे रोका गया है। ये देख सकते हैं पीछे में कि मेरे दरवाजे का गेट बंद कर दिया गया, जबकि हमको सुरक्षा में एक महिला पुलिस और बॉडीगार्ड मिला हुआ है। मुझे नहीं पता है कि 23 तक मिला है कि आगे मिला है। मैं पूरे भारतवासियों से आह्वान करती हूँ, मुझे न्याय देना चाहिए। देखिए इन लोगों के अंदर कितना चोर घुसा हुआ है, जान रहे हैं कि बबलू सिंह की हत्या प्रशासन के द्वारा कर दी गई है। इसके पहले भी मैं बहुत हजारों आवेदन DM, SP, DGP, मुख्यमंत्री अश्वनी चौबे, पार्टी कार्यालय में, मीडिया में, मेरा बबलू आवाज उठाते रहा है अपने भ्रष्टाचार को छुपाने के लिए। सारे नेतागण और प्रशासनगण जो है वो अपना पोल नहीं खुले, मुझे माल्यार्पण करने से रोक रहे हैं। इसमें पूरा भारतवासियों से जाति और धर्म से उठ करके सबसे आज न्याय का गुहार करती हूँ। ये वीडियो वायरल हो रहा है और आप लोग मुझे न्याय देने के लिए और अपना सही मंतव्य जो है इस पर भेजिए, मैं आप लोगों के सदा आभारी रहूंगी, ताकि मेरे पुत्र बबलू सिंह की हत्या के बाद ये लोग सारा जो है प्रशासन लोग मेरा लिपापोती कर देंगे। धन्यवाद। तो सुना आपने किस प्रकार से जो बाबू वीर कुंवर सिंह की पुत्र वधु हैं उन्होंने स्पष्ट रूप से आरोप लगा दिया है कि बीजेपी वालों ने उन्हें नज़रबंद कर दिया गया है। लेकिन अब देखने वाली बात होगी कि इस बात से कितनी पुष्टि और कितना स्पष्टीकरण हो सकता है। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए जुड़े रहिए NBC 24 के साथ और जाते जाते हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। बहुत धन्यवाद सभी दर्शकों का।